सब कुछ सामान वगैरह क्लियर हो गया कि नमाज़ पढ़ने चले गए, नमाज पढ़ते पढ़ते वापस आए और ध्यान नहीं दिया टाइम पे। तो जब गेट पे पहुँचे तो पता चला जनाब आप तो लेट हैं एक मिनट। अब क्या, अब नेक्स्ट फ्लाइट का वेट है। टाइम इस टाइम तकरीबन 3 हो रहे हैं और नेक्स्ट फ्लाइट 7 बजे के करीब है। ज़रूरी नहीं है कि हर सफ़र की शुरुआत अच्छे से हो, कुछ सफ़र बुरे भी शुरू हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि उस सफ़र का अंजाम बुरा हो। उस सफ़र का अंजाम अच्छा बनाना ये आपके हाथ में। हमारे पास दो ऑप्शंस थी, पहली ये कि रो धो के सड़ भुन के सफ़र की शुरुआत करते, और दूसरी ये कि यार जो है हो गया, अब आगे क्या करना है, हमारे पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं इम्प्रोवाइज कैसे करना है। और हमने दूसरी ऑप्शन को चूज़ किया। एक मिनट का गम तो हुआ, लेकिन साथ में ही एक फ़्लाइट अवेलेबल थी। 3-4 घंटे के वेट से आगे की खूबसूरत मंजिल को हमने छोड़ सकते थे। ज़िंदगी तो नाम ही तजुर्बात का है, आप एक्सपीरियंस से लर्न करते हो और उसको फिर आगे की ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करते हो। इस फ़्लाइट के मिस हो जाने से जो तजुर्बात हमें हासिल हुए हैं, उसमें नंबर वन ये है कि आप कभी भी किसी चीज़ को अंडर एस्टिमेट मत करो, हमेशा वेल प्रिपेयर्ड रहो। प्रिपेयर्ड तो थे हम, लेकिन शायद वेल प्रिपेयर्ड नहीं थे। बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें तो होती रहती हैं। 4 घंटे के वेट के बाद नाउ वी आर ऑन टू एडिनबरा। थोड़ी सी तबीयत नासाज है, लेकिन थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे। मिलते हैं एडिनबरा में। जी तो एडिनबरा हम लोग पहुंच गए हैं 10-11 बजे से पहले। पहले खाने का सीन यहाँ पे करना ही करना होता है आपको। लेट नाइट शॉपिंग का कोई कल्चर नहीं है। पाकिस्तानी और मुस्लिम कम्युनिटी काफ़ी कम है एडिनबरा में, ज़्यादा आपको ग्लासगो वाली साइड पर मिलेगा। तो यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबरा के बिल्कुल पास में एक कबाब महल के नाम से पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है। देसी फूड खाए हुए रेस्टोरेंट पर अरसा ही गुजर गया था। फूड भी अच्छा था और कस्टमर सर्विस, मेहमान नवाजी तो आउट क्लास। कल दिन को थोड़ा सा काम है, लेकिन शाम को इंशाल्लाह भरपूर तरीके से एडिनबरा की खूबसूरती को एक्सप्लोर करेंगे। एडिनबरा इज़ ऑल अबाउट स्ट्रीट्स, गलियों की जो रौनकें हैं, मज़े हैं, उतार चढ़ाव, ज़िंदगी के उतार चढ़ाव की तरह बड़ा एक अच्छा फैसिनेटिंग करता है आपको। अगर आप अकेले पुरसकून वॉक चाहते हो तो एडिनबरा इज़ वन ऑफ द प्लेसेस। बाकी घूमना फिरना, आई थिंक आज मैं थोड़ा सा बिजी था। तो अफराज ने किया, अफराज व्हाट वुड यू रिकमेंड? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सबसे पहले आपको रिकमेंड करूँगा कि आप एडिनबरा स्कॉटलैंड नेशनल म्यूजियम विज़िट करें। ग्रेट प्लेस टू गो, नाइस व्यूज़ ऑन द रूफ टॉप। एंड उसके बाद आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि आप एडिनबरा कासल को विज़िट करें, बहुत हिस्टोरिकल जगह है। और उसके बाद फिर वॉक अराउंड टाउन सेंटर एंड हॉप ऑन हॉप ऑफ बस इज़ अ मस्ट। ठीक है, बाकी तो अभी जो भी है वो हम लोग जाके विज़िट कर लेते हैं। अभी कहाँ पे जा रहे हैं हम लोग? हमारा कैल्टन हिल जाने का प्लान बन रहा है, तो देखते हैं वहाँ पे कैसे व्यूज़ आते हैं। टॉप सिटी का व्यू है मेरे ख्याल वहाँ से पूरा, और अभी शाम भी हो रही है। एक तो लैंडमार्क भी बना हुआ है, आई थिंक आज शायद क्लोज हो, लेकिन देखते हैं। चलो चल के देखते हैं। बड़ी अच्छी हिडन प्लेस फाइंड की है, बड़ी ज़बरदस्त किस्म के माउंटेन व्यूज़ के साथ। ज़रा चेक करें आप सीन्स। दिस कॉल्ड
हॉली रोड पार्क। हॉली रोड पार्क अच्छा यार, नई डेवलपमेंट भी हुई है, काफ़ी सारी माउंटेंस भी हैं उस साइड पे, थोड़ी सी पुराना हेरिटेज भी है। इसे एक रेलवे लाइन गुजरी है, वो मैं थोड़ा सा साइड से जाकर दिखाता हूँ। एडिनब्रा वॉर्वल स्टेशन होगा, मेन एडिनब्रा का स्टेशन है। थोड़ी इंटरेस्टिंग लोकेशन लग रही है, तो वो सामने पहाड़ के ऊपर जाने की कोशिश करते हैं किसी तरह से। स्कॉटलैंड की जो पार्लियामेंट है, ये उसकी बिल्डिंग है, जिस तरह हमारे यहाँ नेशनल असेंबली है, स्कॉटलैंड की ये पार्लियामेंट है। हाइकिंग करवा करवा के मार दी यार इसने। खाना कब खिलवाएगा यार? चार लोग इंडिया के मिले थे, पाकिस्तान को बहुत सी वेल विशेज, और बाबर आजम को खासतौर पर बड़ा प्रेज कर रहे थे। 40 मिनट की हाइकिंग, फाइनली हम उस पॉइंट पर पहुँच चुके हैं जहाँ पे एक अच्छा प्रेजेंट। भाई यहाँ पे तो आवाज़ की मुझे भी समझ नहीं आ रही। पॉइंट ये था कि हम लोग इस टाइम टॉप पे हैं जहाँ पे खूबसूरत किस्म का व्यू है। थोड़ा सा मज़ीद ऊपर जाने की गुंजाइश थी, लेकिन विंड के साथ जो बारिश है वो बड़ी ज़्यादा रुकावट पेश कर रही है। आप ज़रा टॉप से एडिनब्रा के व्यूज़ को इन्जॉय करें, मैं तब तक पहुँचता हूँ ग्लासगो में। कल एक बड़ा खूबसूरत सा रोड ट्रिप प्लान किया हुआ है ग्लासगो में, तो मुलाकात होती है आपसे वहाँ पर। चीज़ जो मैं मेंशन करना भूल गया हूँ वो है कार्लटन हिल। कैलेंडर्स में मार्क कर लो, एक मस्त प्लेस है जो कि विजिट करनी चाहिए। अगर पिक्चर्स वगैरह बनानी है तो मैं रिकमेंड करूँगा कि मगरिब के टाइम पहुँच जाओ, घंटा सारा स्टे करो, रेस्टोरेंट और कैफेटेरिया वगैरह भी है, कॉफ़ी शॉफी पियो, गाड़ी बिल्कुल एग्जैक्ट उस जगह तक पहुँच जाती है, कोई आपको हाइकिंग या वॉक की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इस टाइम हम लोग मौजूद हैं ग्लासगो सिटी सेंटर के अंदर। सिटी सेंटर को एक्सप्लोर करने के बाद एक पास में ही लेक है, क्या नाम है उस लेक का? लेमन लेक। ट्राई करते हैं, जो भी नाम है यार ट्राई करते हैं। तो सीधे सिटी सेंटर को एक्सप्लोर करने के बाद उस लेक की तरफ जा रहे हैं, क्या नाम बताया था? लॉक लेमन। लॉक का मतलब भी बता रहा था, अगर स्कॉटिश में लेक को बोलते हैं। तो चल के सीन चेक करते हैं। रोड सीन्स भी बड़े मज़े के हैं, बड़ी पंपी सी राइड है और रोलर कोस्टर टाइप सी। दुआ है कि बारिश ना हो, बाकी आप थोड़े रोड के सीन्स चेक करें। लेक तक पहुँच आए हैं, माउंटेन की टॉप पे इस टाइम हम लोग, लेकिन बारिश के सीन्स बड़े डेंजरस किस्म के हैं, विंडी भी काफ़ी है, तो इस मौसम में बंदा फिर लेक को क्या एंजॉय कर सकता है। 10-15 मिनट देखते हैं, अगर बारिश रुक सकती हुई रुक गई तो ज़रा सीन्स को एंजॉय कर लेंगे, अदरवाइज़ फिर घर की तरफ चलेंगे। तो ये है हमारी मंजिल। मंजिल से ज़्यादा सफ़र खूबसूरत था, अगरचे सफ़र की शुरुआत अच्छे से नहीं हुई, लेकिन इतनी खूबसूरत मंजिल के बाद शुरुआत की परेशानियां इंसान भूल जाता है। ज़िंदगी भी इसी चीज़ का नाम है,
के खूबसूरत मंजिल के लिए शुरुआत में जो रुकावटें आती हैं आपको उनको भूल के मंजिल पे फोकस करना पड़ता है। अभी ज़रा बारिश रुकी है और थोड़ा सा सीन बाहर लेक का अच्छा, स्लीपिंग पॉड्स वगैरह हैं इधर, ज़्यादा मुझे लग रहा है कुछ लोग फिशिंग वगैरह या सेलिंग बोटिंग जो भी है उसके लिए आते होंगे। हाँ भाई, फिर कैसा लगा? बहुत खूबसूरत है, ज़बरदस्त है। ग्लासगो ज़्यादा मज़े का लगा यस एडिनबरा? सिटी वाइज एडिनबरा, और बाकी जो है नेचर वाइज मुझे ग्लासगो इस टाइम काफ़ी अच्छा लग रहा है। मुझे यार बस टाइम का ही है दोबारा से फ़्लाइट मिस करने का, बिल्कुल भी मूड नहीं है ना हिम्मत है। अब तो तबीयत बिल्कुल ही लो से लो होती जा रही है, तो चलते हैं फिर और आपसे मुलाकात होती है शायद फिर किसी वीडियो में। ख्याल रखें तब तक अपना, अल्लाह हाफिज़। खाने के पैसे नहीं और कहता नॉर्थ फेस जाना है।